आज आरा नगर रामलीला समिति के तत्वधान में आयोजित 10 दिवसीय रामलीला का उद्घाटन हुआ। उद्घाटनकर्ता व मुख्य अतिथि सर्जन डॉक्टर अनिल सिंह, अध्यक्ष प्रेम पंकज ललन व रामलीला समिति के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि रामलीला का यह परंपरा बरसों पुरानी है, फिर भी इसका मंचन आज भी देश भर में हो रहा है। रामलीला में संपूर्ण रामायण का संक्षिप्त चित्रण किया जाता है, जो अद्भुत व मनोरम होता है। इससे आज जो लोग डिजिटलाइजेशन के दौर में अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, इसी उद्देश्य से इस आयोजन को भव्यता के साथ किया जाता है। वहीं सचिव शंभुनाथ प्रसाद ने राम भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि रामलीला देखने आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इसलिए हमारी टीम दिन रात लगी हुई है। वाटर प्रूफ विशाल पंडाल, लाइट, पानी, सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की गई है। आज वाराणसी के प्रसिद्ध रामलीला मंडली द्वारा नारद मोह व शिव पार्वती संवाद की मनोरम प्रस्तुति की जाएगी। धन्यवाद। सर्वप्रथम सही बड़ों को प्रणाम, शुभों को सर्वको सुभाषित। आज दुर्गा पूजा के प्रथम दिवस के अवसर पर आयोजित रामलीला उद्घाटन समारोह सभी अधिकारीगण, दर्शकगण, छोटे भाई बहनी भाई बहनी सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। बहुत खुशी की बात है कि आपको ग्यारह में 17 दिवसीय प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, इतना लंबा दिन कार्यक्रम चलाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप सबसे आग्रह है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में